सिटी डेल का एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहां से इसका एपिसोड 4 खत्म हुआ था। अगर आपने सिटी डेल के बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्लेमर बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। तो सिटी डेल का एपिसोड 5, मैसन और नादिया कार्टल को बचाने के लिए मेंटिकोर के सेफ हाउस में होते हैं। कार्टल नादिया से कहता है कि ये गद्दार है, सिटी डेल के लोगों को धोखा दे रही है, ये गद्दार है। तभी कहानी 9 साल पीछे जाती है और हम देख पाते हैं मैसन और नादिया को। वो दोनों एक मिशन पे होते हैं और इस मिशन की पूरी तैयारी उन लोगों ने कर ली होती है। मैसन नादिया को एक रिंग देता है, नादिया समझती है ये रिंग इसी मिशन का हिस्सा है, लेकिन मैसन उसे प्रपोज कर रहा होता है और वो रिंग बिल्कुल असली होती है। मैसन उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है लेकिन नादिया कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद सीन कट होता है और हम देख पाते हैं और कहानी वापस से 9 साल आगे आती है और हम देख पाते हैं वर्नार्ड को आंद्रिस को स्लेस्का की फोटो दिखाता है और उससे बोलता है ये अभी जिंदा है, अगर तुम इसे दोबारा नहीं खोना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके पास ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। आंद्रिस उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था इसलिए वो वर्नार्ड से कहता है, वो उसके हाथ खोल रहा है और पीछे एक गाड़ी खड़ी है, वो उसको फॉलो करेगा। आंद्रिस जैसे उसके हाथ खोलता है तभी आंद्रिस के डालिया गोली मार देती है। आंद्रिस को डालिया के ऊपर काफी गुस्सा आता है, आंद्रिस डालिया की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डालिया के गार्ड उसे रोक लेता है। आंद्रिस उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वो भी उसकी गर्दन पकड़ लेता है लेकिन आंद्रिस को गोली लग चुकी थी इसीलिए वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं मर जाता है। आंद्रिस मर जाता है और डालिया उन सारे न्यूक्लियर वेपन्स का कोड पूछते हैं लेकिन वर्नार्ड उसे कुछ भी नहीं बताता। वर्नार्ड को उन लोगों ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया होता है लेकिन वर्नार्ड ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला होता है। अब आंद्रिस भी मर चुका है जो वर्नार्ड की आखिरी उम्मीद थी, जिसके बाद कहानी 9 साल पीछे जाती है और हम देख पाते हैं सिटी डेल के हेडक्वार्टर को। वहाँ पर नादिया होती है, नादिया कुछ काम कर रही होती है तभी उसके फोन में मैसेज आता है और नादिया समझ जाती है उन लोगों ने सिलेक्सा की मेमोरी को मिटा दिया पूरी तरह से, अब सिलेक्सा को कोई कुछ भी याद नहीं है, जहाँ तक कि सिलेक्सा को अब वो भी याद नहीं रहेगी। जिसके बाद नादिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो फौरन वर्नार्ड के पास जाती है और वर्नार्ड पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो वर्नार्ड से पूछती है ये जो मैंने सुना ये सच है क्या और ये सब क्या मैसन केन को भी पता था, जिससे वर्नार्ड बोलता है हाँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं मैसन केन को। मैसन केन के पास नादिया आती है और नादिया उससे पूछती है क्या उसको पता था सिलेक्सा के बारे में कि उसने उसकी मेमोरी मिटा दी है, जिससे मैसन बोलता है नहीं उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन नादिया समझ जाती है उसको सब कुछ पता है और नादिया उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, जिससे मैसन नादिया से बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से किया है क्योंकि उसे पता था ऑस्की नादिया के पास है, नादिया ने उससे चुपचाप डिलीवर करने को कहा था ऑस्की को। अगर आपको ऑस्की नहीं पता है ऑस्की क्या है तो ऑस्की एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी कंट्री के सिस्टम को हैक किया जा सकता है और इसके बारे में मैंने एपिसोड 4 में अच्छे से समझाया और सारे एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्लेमर बॉक्स में मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। मैसन उससे कहता है उसे पता चल चुका था तुम गद्दार हो, तुम सिटी डेल के लोगों को धोखा दे रही हो, जिससे नादिया उससे कहती है अगर एक बार तुम मुझसे पूछ लेते मैंने उसको उसकी का क्या किया है तो शायद तुम ऐसा नहीं करते, उसकी याददाश्त नहीं मिटाते, जिससे मैसन बोलता है क्या तुम गद्दार हो, जिससे नादिया उसे बताती है उसकी इतना ज्यादा खतरनाक है वो किसी के पास भी नहीं होना चाहिए, ना ही मेरे पास, ना ही मेंटिकोर के पास, ना ही सिटी डेल के पास, वो किसी के पास नहीं होना चाहिए इसीलिए मैंने उसे नष्ट कर दिया, अगर ऑस्की किसी गलत हाथों में लग जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती और पूरी दुनिया खत्म हो जाती, इसीलिए मैंने उस ऑस्की को खत्म कर दिया पूरी तरह से। वो मैसन से कहती है उसकी याददाश्त फौरन वापस लाई जाए, जिससे मैसन बोलता है याददाश्त लाने वाली दवाई उसने नष्ट कर दी है इसीलिए उसकी याददाश्त अब कभी भी वापस नहीं आ सकती, जिससे नादिया को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैसन उससे बोलता है वो उससे प्यार करता है, उसने कभी सोचा नहीं था कि एक जासूस प्यार करेगा, वो जासूस एक प्यार कर सकता है कि नादिया भी उससे प्यार कर सकती है। नादिया बोलती है मैं प्यार कर सकती हूँ लेकिन तुमसे नहीं, और उसकी रिंग उतार कर मैसन को दे देती है वापस, जिससे मैसन को काफी ज्यादा दुख होता है और नादिया वहाँ से चली जाती है। नादिया ने मैसन से सारे रिश्ते खत्म कर दिए होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं नादिया को। नादिया अपने घर पे होती है और किसी को कॉल मिलाती है जिससे वो आदमी नादिया को मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं नादिया एक आदमी से मिलती है जिसका नाम राय गंभीर होता है। राय गंभीर उसे पासपोर्ट देता है और एक टिकट देता है, उससे कहता है उसे वैलेंसिया जाना होगा और साथ ही वो उससे ये भी कहता है तुम्हें जो भी काम है जल्दी करना होगा अपना, इससे पहले उन लोगों को तुम्हारा सच पता चले, जिससे नादिया कहती है कि इससे पहले उन्हें कुछ भी पता चलेगा मैं बहुत आगे निकल जाऊंगी, जिससे राय गंभीर उससे कहता है मुझे पता है तुम सिटी डेल को छोड़ने वाली हो, और साथ ही वो ये भी कहता है मिशन केन का क्या करना है, जिससे नादिया बोलती है उसे कुछ भी मत बताना अभी। जिसके बाद कहानी सीधा वही आती है 9 साल आगे। कार्टल उससे कह रहा होता है ये गद्दार है, ये सिटी डेल को धोखा दे रही है पूरी तरह से। तभी वहाँ पर गार्ड्स आने लगते हैं और नादिया मैसन से कहती है कार्ल अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ रहे होते हैं और उन्हें उनका मुकाबला करना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं वर्नार्ड को। डालिया वर्नार्ड के पास आती है और वर्नार्ड के पास लैपटॉप रखती है, उससे कहती है वो न्यूक्लियर हथियार के हमें कोड दे वरना वो उसके परिवार को और साथ ही मैसन केन के परिवार को सबको खत्म कर देगी, उसने उनकी लोकेशन निकाल ली है वो जिस जगह पर है, और वो उसको टारगेट दिखाती है। डालिया ने उन लोगों को टारगेट पर रखा होता है। वो वर्नार्ड से कहती है अगर उसने न्यूक्लियर वेपन्स के कोड नहीं बताए तो वो उन सबको खत्म कर देगी, जिससे वर्नार्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डालिया से मना करता है, लेकिन डालिया आपके लोग पूछते हैं क्या वो उन लोगों को मार दें, जिससे डालिया
ले गई थी। हाँ, लेकिन तभी बर्नार्ड उन्हें रोक देता है। बर्नार्ड कोड बता देता है और वो कोड बिल्कुल सही होता है, जिससे डालिया काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपने आदमी से कहती है उन लोगों को खत्म कर दो, जिससे बर्नार्ड उससे मना करता है क्योंकि बर्नार्ड ने कोड बता दिए होते हैं अपने परिवार की वजह से। लेकिन डालिया बोलती है उन सबको खत्म कर दो, उन्हें जो चाहिए थे वो मिल गया। बर्नार्ड काफी ज्यादा चिल्लाता, डालिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डालिया नहीं रुकती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बर्नार्ड की बेटी को। वो देखती है उनकी तरफ कुछ जहाज आ रहे हैं जो उन पे हमला करने वाले हैं। वो फौरन सबको सावधान कर देती है और वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर सारे लोग होते हैं, मैसन कैन की फैमिली भी होती है और साथ ही बर्नार्ड की फैमिली भी होती है। उन लोगों को मारने के लिए वो आ रहे होते हैं और वो अपना सारा सामान लेके, जितना भी उनका जरूरी सामान होता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं डालिया को। डालिया आंद्रिस के भाई डेविड को कॉल करती है और डेविड को बताती है कि उसे सारे न्यूक्लियर बम के हथियार की लोकेशन मिल चुकी है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए हमें मैसन केन की जरूरत पड़ेगी। और मैसन केन को वो पकड़ने के लिए कहती है और साथ ही वो उसे ये भी बताती है उसका भाई मारा जा चुका है अब, और उसके भाई को बर्नार्ड ने मारा होता है। बर्नार्ड ने अपने हाथ खोल के उसमें गोली मार दी। डालिया उससे झूठ बोलती है और डालिया पे वो यकीन कर भी लेता है। डालिया उससे मैसन केन को पकड़ने के लिए कहती है क्योंकि जब तक मैसन केन उसके हाथ नहीं लगेगा तब तक वो न्यूक्लियर हथियार को यूज नहीं कर पाएगी। जिसके बाद डेविड कॉल काट देता है और डेविड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका भाई अब मर चुका है। लेकिन डेविड को अभी तक नहीं पता है उसके भाई को डालिया ने मारा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं मैसर और नादिया और काटल, वो तीनों कार से वहाँ से जा रहे होते हैं। काटल उससे कहता है, काटल नादिया से कहता है तू गद्दार है, तूने सिटीडेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे नादिया को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और नादिया फौरन गाड़ी रोक देती है। और काटल उसे बोलता है सिटीडेल पे अटैक होने से एक साल पहले तुम यहाँ से गायब होगी बिना किसी को कुछ बताए, और तुमने ऑस्की भी चुराया है, तुम राय गंभीर के साथ जो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है तुम उसके साथ थी और तुम दोनों ने ही मिलकर सिटीडेल को पूरी तरह खत्म किया, तुम दोनों ने सिटीडेल को धोखा दिया है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देख पाते हैं नादिया को। नादिया राय गंभीर को कॉल करती है और बताती है उसे वो प्रेग्नेंट है। राय गंभीर नादिया से बोलता है कि इसके बारे में मैसन केन को पता है, लेकिन नादिया बोलती है उसको कुछ भी नहीं पता है और पता चलना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं नादिया राय गंभीर के पास होती है और उसकी डिलीवरी होती है, उसको एक लड़की होती है। नादिया अपनी बेटी को पाकर काफी ज्यादा खुश होती है, नादिया को एक खुशी मिल चुकी थी अब। जिसके बाद कहानी वापस से वहीं आती है और नादिया उसे बताती है उसने अपनी बेटी को 8 साल पहले पहली बार देखा था जब वो 6 महीने की थी सिर्फ। मैसन उससे पूछता है क्या वो उसकी बेटी है, जिससे नादिया बोलती है हाँ। मैसन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। मैसन केन को पिछला कुछ भी याद नहीं होता, जिससे मैसन उससे पूछता है कि ये मैसन केन को बताता, जिससे नादिया बोलती है नहीं मैसन केन को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। नादिया ने मैसन को फर्स्ट एपिसोड में बताने की कोशिश करी थी लेकिन नादिया बता नहीं पाई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, उन दोनों की याददाश्त चलेगी। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि राहे गंभीर और कोई नहीं, वो नादिया के पिता होते हैं, जिससे नादिया ने उन्हें बुलाया था और नादिया उन्हीं के पास थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं डालिया को। डालिया के लोगों को पता चल चुका है मैसन केन के बारे में कि मैसन केन किधर है। डालिया अपने लोगों को बताती है भले ही उसे न्यूक्लियर कोड के बारे में पता चल चुका है, लेकिन उन न्यूक्लियर कोड को एक्सेस खाली एक ही आदमी कर सकता है, वो है मैसन केन। और जब तक मैसन केन नहीं मिलेगा ये कोड्स बेकार है, क्योंकि मैसन केन के बिना हम इन कोड्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं नादिया को। नादिया अपनी बेटी के साथ काफी ज्यादा खुश होती है और उसके पिता भी उसको देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी नादिया के पास एक मैसेज आता है और नादिया आप एक मिशन पे जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके पिता उसे जाने से मना करते हैं। नादिया बोलती है उसे सच बताना ही होगा, उसे जानने का कहे, अगर उसने सच नहीं बताया उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। नादिया दरअसल मैसन केन को अपनी बेटी के बारे में बताना चाहती है, लेकिन उसके डैड मना करते हैं नादिया से कि वो ऐसा ना करे। लेकिन नादिया बोलती है उसे मिशन पे जाना होगा, वो 6 हफ्ते में वापस आ जाएगी, तब तक आप दोनों एक साथ रहना। नादिया जाते जाते अपनी बेटी के हाथ में एक ताबीज बांधती है और उससे कहती है वो उसे सारी बुरी नजरों से बचाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी वापस से वहीं आती है जहां नादिया उन सबको बता रही होती है अपनी बेटी के बारे में। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं वहां पर कुछ गाड़ियां आ रही होती हैं, वो गाड़ियां उनकी तरफ आके रुकती हैं, वो तीनों उनकी तरफ गन तान देते हैं, वो भी उनके ऊपर गन तान देते हैं। ये लोग मैंटिकोर के लोग होते हैं। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है, वो उनसे कहता है वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, इस बात का वादा करता है। वो खाली मैसन केन की किसी से बात करना चाहता है और उसे इसी के जरिए बात करनी होगी। जिसके बाद मैसन केन आगे आता है और मैसन केन से बात होती है। जब मैसन केन बात करता है तो वो डालिया होती है। डालिया उससे कहती है कि उसे एक काम करना होगा उसके लिए, कि सब कुछ अब उसके हाथ में है और वो जो चाहे अब कर सकती है, और मैसन केन को उसके लिए एक काम करना होगा, एक सबमरीन के अंदर से न्यूक्लियर हथियार उसे लाके देने होंगे। जिससे मैसन केन कहता है वो भला ऐसा क्यों करेगा। लेकिन तभी वही आदमी उसे नादिया की बेटी का तावीज दिखाता है जो नादिया ने उसके हाथ में बांधा होता है। उन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया होता है। इसी के साथ सिटीडेल का एपिसोड 5 यही खत्म हो जाता है। अगर आपने सिटीडेल के बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो सारे एपिसोड का लिंक डिस्क्लेमर बॉक्स में मिलेगा आपको। और ये सिटीडेल का 5वां एपिसोड था, तो सिटीडेल 5 इसी तरह खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। सिटीडेल 5 मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।